अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जी, पतझड़ का मौसम शुरू हो गया, ऑटम सीज़न आ गया है। तो आप सबके साथ पहले माज़रत, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी जैसे फ्लू और गला ख़राब है, तो आवाज़ थोड़ी सी जो है ना अब चेंज हो गई है, लेकिन एक दो दिन में इंशाल्लाह ठीक हो जाऊँगी। तो बस जी, बच्चे बीमार हों तो फिर एंड पे जब अम्मा बीमार होती है तो वो फिर से ही पता चलता है। पहले बेटे की तबीयत ख़राब हुई, वो स्कूल से जो है ये वायरस पिक करके घर ले आया, फ्लू और कफ़ और साथ टेम्परेचर, वो ठीक हुआ। फिर बेटी को हो गया, वो ठीक हुई है, तो एंड पे जब मेरी शामत आ गई है। तो लेकिन कोई नहीं, अपना ध्यान रख रही हूँ, एक दो दिन में इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगी। तो बच्चों को मैंने स्कूल से पिक किया और इनको लेके आई हूँ घर, जो मैंने घर में इतनी सफाइयाँ की हुई थी। बच्चे भी जो है वो भी कह रहे हैं कि मामा बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे बेटी जो है वो चेक कर रही थी कि लेवेंडर की है कि रोज़ेस की है, तो उसको समझ नहीं थी लग रही कि किसकी जो है ये खुशबू आ रही है। तो अब मैं बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ जी नूडल्स। बड़ी ईजी रेसिपी है। तो यहाँ पर ऑयल में जो है जिंजर गार्लिक की पेस्ट 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऐड की, और इसको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया चिकन। ये बोनलेस चिकन है और इसके भी जो है छोटे पीस मैंने किए हुए हैं, जैसे पास्ता में चिकन आप ऐड करते हो छोटे पीस करके, वैसे ही जो है बोनलेस चिकन के इसमें 1 kg जो है बोनलेस चिकन मैंने ऐड किया है। इसको भी जो है 2 से 3 मिनट भून लेना है। यहाँ पे जी 3 टेबल स्पून कैचअप, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने स्वीट एंड चिली सॉस ऐड की है, 1 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनीगर एंड 1 teaspoon इसमें सॉल्ट ऐड करके, तो इसको जो है मिक्स कर लेना है चिकन के साथ। ये एक ग्रेवी टाइप ही जैसे बन जाएगी, जैसे चाइनीज़ चिकन मंचूरियन बनाते हैं उसमें भी यही जो है सारी सॉस वगैरह जाती हैं, जिससे जो है एक इसकी नाइस लुक आती है। तो ज़्यादा स्पाइसी मैं ये नहीं बना रही क्योंकि बच्चों ने ये खाना है, तो इसमें कोई ग्रीन चिलीज़ या एक्स्ट्रा स्पाइसी सॉस जो है इसमें मैं नहीं ऐड कर रही। तो यहाँ पे जी फ्रेश कैरट्स जो हैं वो काट के, तो इनको जो है चिकन के साथ ही 2 से 3 मिनट शिमला मिर्च जिसको ग्रीन पेपर भी कहते हैं, तो वो मैंने इसमें ऐड की। बाकी मशरूम, स्प्रिंग अनियन, वो आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आपको जो है नूडल्स में पसंद है। मैं ज़रा सिंपल ही ये बना रही हूँ ताकि बच्चे जो हैं ये ना कहें कि मामा ये भी निकाल के दें और वो भी निकाल के दें, हमने नहीं ये खाना। तो मैंने वही वेजिटेबल्स इसमें ऐड की हैं जो बच्चों को पसंद है। और ये हैं जी नूडल्स, सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है, रेडी टू कुक एग नूडल्स स्टर फ्राई इन 3 मिनट्स। तो ये वाले जो है ना नूडल्स बेस्ट हैं, तो ये ऑलरेडी जो है बॉयल्ड हुए होते हैं, तो ज़्यादा मेहनत का काम जो है ना ये वेजिटेबल्स काटने का ही है। और यहाँ पे जी वेजिटेबल्स और चिकन जो है पक चुका है, तो इसमें फिर मैंने नूडल्स ऐड कर दिए। इनको जो है मिक्स कर लेना है 2 से 3 मिनट इनको जो है मिक्स करके, और मैंने लगा दिया था दम, और यहाँ पे चिकन नूडल्स ये तैयार हैं। तो ये बच्चे खाएँगे जी अब डिनर में, और उनका फेवरेट ही आज जो है ना मैंने डिनर बनाया है। और यहाँ पे मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ क्यूमन। वेदर ऐसा ही है, अब ग्लासगो का 2 दिन बहुत अच्छी जो है धूप निकली है, तो अब बादल और ठंडी हवाएं, तो शायद इसलिए मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ये अब लोग बीमार हो रहे हैं वेदर की भी वजह से। तो अल्लाह पाक जी खैरियत रखे सबको। बस मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो, बस मैं खुद ही डाउन हो जाती हूँ, इवन कि मैं अपना इतना ध्यान भी रखती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इतनी वर्स नहीं हुई, ठीक है तबीयत, और एक दो दिन में हो जाऊंगी मैं ठीक इंशाल्लाह। इनको लेके आई हूँ जी क्यूमन, अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, और मुझे इतनी देर यहाँ पे टांग के इन्होंने बिठाना है कि जितनी देर तक कंप्लीट नहीं करेगी अम्मा इधर ही बैठी रहे, मुन्नू तो और कोई काम नहीं ना है। 15 से 20 मिनट जो है मैंने वहाँ पर बैठ के वेट किया बच्चों का, तो जब उन्होंने क्यूमन कर लिया तो शाही सवारी को फिर मैं घर लेके आई हूँ। और ये है जी मेरा नया मोबाइल जो मैंने अपने आप को जो है बर्थडे गिफ्ट किया, क्योंकि मुझे अब खुशी होती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे जो भी अच्छा लगे मैं अपने लिए अब मैं ले सकती हूँ। तो अपने आप को मैंने ये गिफ्ट किया है सैमसंग गैलेक्सी S24 Plus, और अच्छा मोबाइल है। जैसा कि आप सब भी कहते थे कि आप मोबाइल चेंज करें, आपके मोबाइल के कैमरे का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है, तो जी मेहनत होती है, थोड़ा सा सब्र भी होता है। अब
तो जी मेहनत और सब्र ये दोनों जो है ना अपनी ज़िंदगी का लाजम बंदा बना ले, क्योंकि शॉर्टकट से जो निकल के सारा कुछ हासिल करना चाहते हैं ना वो वक्ती खुशियाँ होती हैं, जो मेहनत और सब्र करके आपको मिलता है ना उसकी खुशी ही अलग होती है। तो इस मोबाइल में जी पुराने मोबाइल वाला सारा डाटा जो है मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, आगे जितने भी नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे इसके कैमरे का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है, तो इसी पे ही बनेंगे। अभी 2 से 3 घंटे जो है ना इसको लगेंगे सेट होने में। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो आज मैं करने जा रही हूँ ये ज़रा ठीक मनी प्लांट, क्योंकि इसकी शाखें जो हैं बहुत ज़्यादा, ये देखें जी हर तरफ फैल गई हुई हैं, तो इसको वो करने जा रही हूँ मैं काट के, तो दूसरे पॉट्स में जो है इसको मैं सेट करूँगी, और जो बाकी भी पीछे आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं उनको भी ज़रा और ठीक करते हैं। तो मैं ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना ये प्लांट्स का मैं ये करूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है मनी प्लांट की तो बहुत ही जो है ना शाखें उसकी निकली हुई थी, तो अंदर से भी वो जो है ख़राब हो रहा था, और दूसरे पॉट में मैंने उसको जो है अब ये 2 पॉट्स इसके जो है मनी प्लांट के मैं ये बनाऊँगी। तो यहाँ पर पहले नीचे मैंने ब्लैक बीन्स बैग्स जो हैं इनको रखा, क्योंकि ये काफ़ी मेस होनी है यहाँ पर, तो इसलिए जो है ना किचन ख़राब ना हो और काम भी मैंने करना था, तो इसलिए बिन बैग्स को जो है मैंने सीजर के साथ काट के तो ऐसे इनको नीचे बिछा दिया। इसके ऊपर जो है अब सारा ये कटिंग करूँगी अब मैं मनी प्लांट की, और ये जो है ये मैं हिना बाजी के घर से छोटा सा जो है ये एक शाख लेके आई थी, और इस शाख से ये देखें जी ये मनी प्लांट कैसे इसकी जो है ना ग्रोथ हुई है। तो इसको जो है अब ऐसे मैं ये काट रही हूँ शाखों को इसकी, और काफ़ी जो है जैसे ये पत्ते जिस साइड पे ज़्यादा थे उन्हीं को जो है अब मैं आगे पॉट्स में जो है डालूंगी, बाकी का जो है ना मनी प्लांट ये अब ये ज़ाया जाएगा, और इसके अंदर से भी ये सारी मिट्टी निकाल के तो इसमें जो है नया फूड मनी प्लांट का जो है वो भी ऐड करूँगी। और इसको अब मैं बिन में करती हूँ जी खाली, और क्या मैं कहती हूँ ये देखें जी शाखों का डिज़ाइन इसके ऊपर बना हुआ था, लेकिन जो है ना ये पॉट अब छोटा था और मनी प्लांट ज़्यादा ग्रो ये हो रहा था, तो इसलिए जो है ना इसको चेंज करना बड़ा ज़रूरी था, वरना फिर पत्ते जो येलो होने शुरू हो जाते हैं या वो ग्रो ही नहीं होता या ख़राब हो जाता है। तो इसकी लुक आफ्टर जो है ना मनी प्लांट की इसकी बहुत है। तो ये है जी कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, ये है जी प्लांट्स फूड जो मैं ज़रूर इसमें जो है ना मनी प्लांट के तो उसमें ज़रूर ये मैं शामिल करती हूँ, ताकि जो है ना वो फ्रेश रहे, उसके पत्ते भी ग्रीन रहे और ख़राब ना हो। और ऐसे ये रूट्स आपको नज़र आ रही हैं, तो इस साइड को जो है मैं ये मिट्टी के अंदर इसको मैं ऐसे दबा दूँगी, और इधर से जो है इसकी मनी प्लांट की ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे जितने भी मैंने ये पीस काटे हुए हैं मनी प्लांट की शाखों के सबको जो है मैं इसमें एडजस्ट कर दूंगी। अभी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी तो जैसे टेढ़ा बेढ़ा करके मैंने अभी इसको कर दी है, और इसको भी 1 हफ्ता लगेगा, उसके बाद जब ये मनी प्लांट्स की रूट्स दोबारा से निकलनी शुरू हो जाएंगी तो वो फिर माशाल्लाह से फिर जो है ना भरना शुरू हो जाएगा। तो बाकी के भी प्लांट्स को जो है ऐसे मैंने बड़े पॉट्स में डाल दिया था, और अब मैं होने जा रही हूँ जी तैयार। और ये सूट दिया है मेरी बहुत ही प्यारी बाजी, जिठानी है लेकिन मैं उनको जो है बाजी ही कहती हूँ, और सही बहनों वाला फ्रेंड्स वाला हमारा आपस में एक वो रिश्ता है, तो उन्होंने जो है मुझे ये सूट गिफ्ट किया था, तो आज यही मैं पहने जा रही हूँ, अपना फेवरेट कलर और बहुत खूबसूरत इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो आज मैं पहने जा रही हूँ ये सूट, अदीम की दादो ताई अम्मी पुप्पो विद बच्चा पार्टी सब आ रहे हैं, तो रौनक अभी जो है लगेगी अब। और जी सब माशाल्लाह से आ चुके हैं, खाना मैंने जो है ऊपर जिंदाबाद ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया है, तो यहाँ पे बेटी मेरी दिखा रही है पुप्पो को अपना मेकअप। टीमू अभी और भी कुछ निकाल लेगी बस। और खाना यहाँ पे आ चुका है जी, फिगोस जिंदाबाद फिगोस जो है हम सबको बहुत पसंद है, और जो बायकॉट किया हुआ है उस पर हम कायम है, ये जो है बार ड्रिंक ये जो है ठीक है। और यहाँ पे जी ये हैं लोडेड फ्राइज़,
उसके साथ रैप, ये फिगोस के अपने अनलिमिटेड रैप्स हैं, बहुत टेस्टी हैं, और साथ राइस, चिकन फिलेट सैलड एंड इसके साथ ही गार्लिक मेयोनीज सॉस। तो यहाँ पे खाना खा लिया और अब सब जा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा दिन गुज़रा, बड़ा बिजी दिन जो है मेरा गुज़रा, और रात को फिर माशाल्लाह खूब जो है रौनक भी लगी रही। तो ये हैं जी मेरे गिफ्ट्स जो मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे क्या गिफ्ट मिला। तो आज का व्लॉग हुआ जी यहाँ पे पूरा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। तब तक आप सब मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।